नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, दालचीनी एक बहुत ही खुशबूदार मसाला होता है जिसमें कई उपयोगी औषधीय गुण होते हैं। ये वास्तव में दालचीनी के पेड़ की अंदर वाली सूखी छाल होती है, जिसे आम भाषा में दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स, क्विल्स या क्विलिंग्स कहा जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में दालचीनी के पेड़ की छाल, पत्तियों और तेल का यूज सदियों से दवा के रूप में किया जाता रहा है। दोस्तों, दालचीनी एक ऐसा मसाला होता है जो लगभग हर किचन में मौजूद होता है और हम में से ज्यादातर लोग रेगुलरली इसका यूज अपने खाने में भी करते हैं, जहां हम इसकी मदद से टेस्टी रेसिपीज बनाते हैं। कुछ लोग आधा ग्राम दालचीनी के पाउडर का शहद या पानी के साथ दिन में एक बार नियमित सेवन भी करते हैं, जिससे कि उन्हें इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, इसकी छाल और पत्तियों के पाउडर को बहुत थोड़ी मात्रा में फ्रूट जूसेस और दूध में मिलाकर भी पिया जाता है, जिससे कि वो जूस या दूध और भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बन जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ लोग दालचीनी वाली चाय बनाकर भी पीते हैं। इसके लिए आप एक केतली या सॉस पैन में एक ग्लास पानी उबालें, फिर आप इस उबलते पानी में एक मीडियम साइज दालचीनी का टुकड़ा डालें और इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर गर्म करें। फिर आंच बंद कर दें और दालचीनी को 15 मिनट के लिए इसमें ही छोड़ दें, फिर इसे छान कर पी लें। दोस्तों, आदर्श रूप से दालचीनी के एक टुकड़े से 1 से 2 कप चाय बनाई जा सकती है। दोस्तों, दालचीनी की स्टैंडर्ड डोज या खुराक पाउडर के रूप में प्रतिदिन 1 से 3 ग्राम ही होनी चाहिए, और वो भी छोटी छोटी खुराकों में। तेल के रूप में भी आप इसकी 2 से 5 बूंदें दिन में 1 से 2 बार ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम दालचीनी की केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, दालचीनी सिनेमाल्डिहाइड, यूजिनॉल, कुमारिन, बेंजाल्डिहाइड, मिथाइल अमाइल कीटोन, फिलानरीन, पाइनीन, साइमीन, लिनालूल, कैरियोफाइलीन, सैफ्रोल, बोर्नियोल, सिनेमाइल अल्कोहल, सिंजेलानीन, सिंजेलानोल, एपिकैटेकिन और सिनाकैसियोल D1 आदि से भरपूर होता है। दोस्तों, संस्कृत में दालचीनी को त्वक, स्वाद्वी, तनु त्वक, दुरासीता और वरांग आदि कहा जाता है। हिंदी में इसे दालचीनी, इंग्लिश में सिनामन और इसका साइंटिफिक नाम सिनामोमम ज़ेलानिकम है। दालचीनी के औषधीय गुण। दोस्तों, दालचीनी स्वाद में तीखी, कड़वी और मीठी होती है। ये गुण में लघु या आसानी से पचने वाली, ड्राई और थोड़ी तेज होती है। ये विपक में या पचने के बाद और भी तीखी हो जाती है और इसकी तासीर या पोटेंसी गर्म होती है। ये कफ और वात दोष को बैलेंस लेकिन पित्त दोष को बढ़ाती है। चलिए दोस्तों, अब हम दालचीनी से किए जाने वाले कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपचारों के बारे में जानते हैं। पेट की समस्याओं के लिए। दोस्तों, आयुर्वेद में दालचीनी का यूज एक कार्मिनेटिव अर्थात पेट में गैस और पेट फूलना और एक भूख बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है, जो हमारे खाने के इजी डाइजेशन में मदद करता है और हमारी भूख को भी बढ़ाता है। ये कब्ज, पेट के अल्सर, पेट में ऐंठन, दस्त, कोलाइटिस और डिसपेप्सिया या अपच का भी इलाज करता है। दालचीनी वाली चाय कैटेकिन से भरपूर होती है और जो मतली के लक्षणों से भी राहत दिलाती है। और दोस्तों, जब दालचीनी को दही के साथ लिया जाता है तो ये सबसे आम अल्सर पैदा करने वाले बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को भी मारता है। आयुर्वेद में इलायची के पत्तों के जूस, लौंग और दालचीनी के जूस को एक गोली के रूप में तैयार करके इसे पेट के कीड़ों, भूख में सुधार करने, पेट में गैस बनने और दस्त आदि में लेने की सलाह दी जाती है। डायबिटीज के लिए। दोस्तों, आयुर्वेदिकली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर दालचीनी एक बेस्ट हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट होता है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ब्लड शुगर को कम करता है और इस तरह ये हमारे ब्लड शुगर को भी मेंटेन करता है। साइंटिफिकली भी सभी मसालों में से लौंग के बाद दालचीनी ही एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बड़ा सोर्स होता है। दालचीनी में जो मिथाइल हाइड्रोक्सी चालकोन होता है, वो हूबहू इंसुलिन हार्मोन की नकल करता है और इसीलिए ये ब्लड शुगर के स्तर को भी कम करता है। इसीलिए डायबिटीज वाले व्यक्तियों को नियमित रूप से दालचीनी का सेवन करना चाहिए। वजन घटाने के लिए। दोस्तों, दालचीनी वजन कम करने के सबसे फेमस आयुर्वेदिक नुस्खों में से एक है। साइंटिफिकली दालचीनी का सिनेमाल्डिहाइड हमारी बॉडी में गर्मी पैदा करता है, जिससे हमारे एडिपोसाइट्स या फैट सेल्स एनर्जी के लिए ज्यादा फैट को बर्न करते या जलाते हैं, जिससे वजन कम करने में बहुत मदद मिलती है। इसके लिए आप 1 ग्राम दालचीनी पाउडर का 1 टीस्पून शहद के साथ दिन में 1 बार सेवन कर सकते हैं, एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में। दोस्तों, साइंटिफिकली दालचीनी का
सिनेमाल्डिहाइड सभी तरह के बैक्टीरियाज, फंगी और नेमाटोड्स को मारने में बहुत ही इफेक्टिव होता है और ये सिर की जुओं का भी इलाज करता है कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए। दोस्तों, कैंडिडा एक ऐसा फंगस होता है जो नेचुरली हमारी बॉडी पर मौजूद होता है, लेकिन जब हमारी स्किन के पीएच में असंतुलन या गड़बड़ी आ जाती है तब यही कैंडिडा फंगस बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने और फैलने लगता है और एक बीमारी का रूप ले लेता है जिसे कैंडिडियासिस कहा जाता है। और दोस्तों, आयुर्वेदिक और साइंटिफिक दोनों ही तरह से दालचीनी का तेल या सिनेमन ऑयल सभी टाइप्स के कैंडिडा इन्फेक्शंस, खास करके कैंडिडा एल्बिकन्स जो कि वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन का कारण बनता है, और नॉन एल्बिकन्स कैंडिडा के खिलाफ भी एक एंटी फंगल के रूप में काम करता है दिल की सेहत के लिए। दोस्तों, दालचीनी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बेस्ट होता है जो हमारी धमनियों या आर्टरीज में खून के थक्कों को बनने से भी रोकता है और इस तरह ये हृदय रोगों के खतरे को कम करता है। साइंटिफिकली भी ये हमारी बॉडी में LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL या गुड कोलेस्ट्रॉल को प्रभावी ढंग से बढ़ाता है। दोस्तों, इस तरह दालचीनी हम में आमतौर पर होने वाली हार्ट प्रॉब्लम्स के रिस्क को कम करती है जो हमारी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से होते हैं। एक अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, दोस्तों, एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के सही से काम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कभी कभी कुछ शारीरिक या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से या तो हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ जाता है या फिर हमारे ब्लड वेसल्स या धमनियों में खून के थक्के जमने लगते हैं। और दोस्तों, दालचीनी का नियमित रूप से सेवन करने से इसमें मौजूद कुमरिन जो कि एक नेचुरल ब्लड थिनर और एंटी कोआगुलेंट एजेंट होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ब्लड क्लॉटिंग या खून के थक्कों को भी बनने से रोकता है। एक खूबसूरत त्वचा के लिए, दोस्तों, दालचीनी हमारी स्किन के लिए एक सुपर फूड होता है जिसमें नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी या सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, और जब इसके पाउडर को फेस मास्क के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है तो ये मुहासों के दर्द और सूजन को कम करता है और उनके दाग धब्बों को भी रोकता है। ये झुर्रियों या फाइन लाइन्स, डार्क स्पॉट्स और दूसरी बढ़ती उम्र से संबंधित स्किन प्रॉब्लम्स की ग्रोथ को भी स्लो या धीमा करता है। पिंपल्स के लिए आप थोड़े से शहद और दालचीनी पाउडर को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। सर्दी और खांसी के लिए, दोस्तों, आयुर्वेदिकली दालचीनी हमारी बॉडी में कफ को पिघलाता है या उसका द्रवीकरण करता है और इसे एब्जॉर्ब भी करता है। साइंटिफिक रिसर्च से भी ये पता चलता है कि दालचीनी के तेल में मौजूद सिनामिक एसिड इंसानों में टीबी को होने से रोकने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं के लिए, दोस्तों, आयुर्वेद में दालचीनी का यूज महिलाओं में मासिक धर्म में होने वाली ऐठन, मतली और उल्टी के उपचार के लिए किया जाता है, इसीलिए महिलाएं नियमित रूप से दालचीनी का सेवन कर सकती हैं। ओरल हेल्थ या मौखिक स्वास्थ्य के लिए, दोस्तों, आयुर्वेद में लौंग और दालचीनी के तेल के मिश्रण का उपयोग दांत दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। ये मसूड़ों की सूजन या जिंजिवाइटिस और संक्रमित मसूड़ों या इन्फेक्टेड गम्स के लक्षणों को भी होने से रोकता है और उनका इलाज भी करता है। दालचीनी का सिनेमिक एसिड भी मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से मारता है और इस तरह ये मुंह की बदबू या हैलिटोसिस का भी इलाज करता है। दंत क्षय या डेंटल केरीज वाले लोग रोजाना दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा चबाकर खा सकते हैं। और दोस्तों, यही कारण है कि दालचीनी के तेल का हर्बल टूथपेस्ट और टूथ पाउडर्स जैसे कि दशन संस्कार चूर्ण और माउथ वॉश जैसे कि रिफ्रेश आदि में एक घटक के रूप में काफी यूज किया जाता है। कैंसर के लिए, दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्चेज में ये पाया गया है कि दालचीनी का अर्क या एक्सट्रैक्ट बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ट्यूमर सेल्स को नष्ट करता है और उनके बढ़ने को भी रोकता है, खास करके स्किन और पेट के कैंसर सेल्स को। ये उनके प्रो एंजियोजेनिक फैक्टर जो कि मनुष्यों में स्किन कैंसर के फैलने के लिए जिम्मेदार होता है को भी कम करता है और CD8 T सेल्स को भी स्टिमुलेट करता है जो हमारी बॉडी में किसी भी बाहरी या अलग सेल्स की पहचान करके उन्हें नष्ट करता है घावों को भरने के लिए और कीड़ों के काटने पर। दोस्तों, जब दालचीनी के तेल को एक्सटर्नली किसी घाव या चोट पर लगाया जाता है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाते हैं और दालचीनी के तेल की 2 से 5 बूंदे कीड़े के काटे गए स्थान पर लगाने से ये उनके डंक से होने वाली चुभन वाली दर्द से भी राहत दिलाता है। प्रीमेच्योर इजैक्युलेशन या शीघ्र पतन के लिए, दोस्तों, इसके लिए आप 10 ml दालचीनी के तेल को 100 ml तिल के तेल में मिक्स करें और इसे अच्छी तरह से मिला लें। फिर स्नान करने से 10 मिनट पहले इस तेल को अपने पूरे लिंग पर लगा लें और 10 मिनट बाद स्नान कर लें। ऐसा नियमित रूप से करने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है और ये शीघ्र पतन का भी इलाज करता है।
दोस्तों इसके अलावा भी आप दालचीनी युक्त कई आयुर्वेदिक दवाइयों का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सीतोफलादि चूर्ण जो खांसी जुकाम एनोरेक्सिया आदि का इलाज करता है, वायु गुलिका जो पेट दर्द सर्दी खांसी राइनाइटिस और ब्रोंकाइटिस आदि का इलाज करता है, और हिमसागर तेल जो दर्द और जलन के लिए बेस्ट होता है। सावधानियाँ दोस्तों, क्योंकि दालचीनी की तासीर गर्म होती है, ये पित्त बॉडी टाइप वालों और सीने में जलन और गैस्ट्राइटिस वाले लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता है। दोस्तों दालचीनी में कुमरिन होने के कारण अगर इसका अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो इससे लिवर डैमेज हो सकता है। और दोस्तों क्योंकि दालचीनी खून को पतला करता है या एक ब्लड थिनर होता है, इसीलिए आपको इसके सेवन से बचना चाहिए, खास करके अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है या आपकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, और अगर आपको कोई रक्तस्राव विकार है जैसे कि नाक से खून आना या मासिक धर्म में हैवी ब्लीडिंग होना आदि। और दोस्तों जिन लोगों को दालचीनी से एलर्जी हो उन लोगों को भी इसके सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि दालचीनी से उनके मुंह में छाले हो सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अनडाइल्यूटेड या शुद्ध दालचीनी का तेल कभी कभी त्वचा में जलन भी पैदा कर सकता है, इसीलिए इसे अपनी बॉडी पर लगाने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। और दोस्तों लास्ट में, क्योंकि दालचीनी ब्लड शुगर को कम करती है, इसीलिए अगर आपको डायबिटीज है या अगर आप डायबिटीज की कोई दवा ले रहे हैं तब भी आपको दालचीनी के सेवन से बचना चाहिए। दोस्तों आशा है कि आज के इस वीडियो से आपको इस अति गुणकारी दालचीनी के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिले होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।